हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से इवन क्लासेस में। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेस का, उसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन पढ़िए, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ ए पी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। कह रहा है फर्स्ट एंड टर्म का, 11th क्वेश्चन है, फर्स्ट एन टर्म का सम दिया गया है क्या है 4n माइनस एन स्क्वायर। ये फर्स्ट एन टर्म का सम दिया गया है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म, और ब्रैकेट में लिखा है दैट इज s1। अगर आपको ये नहीं पता है तो भी हम फर्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं, अगर आपके एग्जाम में आएगा तो ये ब्रैकेट वाला नहीं लिखा रहेगा। तो s1 फाइंड करना है, उसके बाद फाइंड करना है फाइंड द फर्स्ट सम ऑफ टू टर्म, स्टार्टिंग के टू टर्म के सम फाइंड करने हैं, और उसके बाद क्या फाइंड करना है व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म भी फाइंड करना है, मतलब a2 फाइंड करना है। उसके बाद फाइंड करना है सिमिलरली थर्ड टर्म एंड टेंथ टर्म एन ए टर्म। थर्ड टर्म फाइंड करना है, मतलब a3 फाइंड करना है, फिर उसके बाद टेंथ टर्म a10 फाइंड करना है, उसके बाद एन ए टर्म an की वैल्यू फाइंड करना है। इतना चीज़ें फाइंड करना है, और दिया क्या है सिर्फ sn की वैल्यू दिया गया है, मतलब फर्स्ट n टर्म की वैल्यू दिया गया है कि sn क्या होगा 4n माइनस एन स्क्वायर। तो सारे टर्म फाइंड करने हैं, पहले फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, फिर स्टार्टिंग के टू टर्म के सम फाइंड करने हैं, और सेकेंड टर्म फाइंड करना है, थर्ड टर्म फाइंड करना है, टेंथ टर्म फाइंड करना है, और an फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें समझा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इमेजिन करिए हमारे पास कोई ए पी होती 3, 5, 7, ये ए पी होती, अगर ये ए पी ना दे के बोलता कि फर्स्ट टर्म क्या है, मतलब फर्स्ट टर्म इसका ए है, ये भी बोल सकता है कि इसके एक टर्म का सम, स्टार्टिंग के एक टर्म का सम क्या है, तो मतलब 3 ही है, सिर्फ फर्स्ट टर्म में क्या आ रहा है 3, तो इसका मतलब s1 भी क्या है 3 है। वही चीज़ ब्रैकेट में लिखा है, फर्स्ट टर्म का मतलब ये होता है एक टर्म का सम, एक टर्म को ऐड करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी 3 ही रहेगी, क्योंकि इसमें कोई टर्म ऐड ही नहीं हो रहा है। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है सम ऑफ वन टर्म। अगर सम ऑफ टू टर्म बोलता है, सम ऑफ टू टर्म, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म को ऐड करते हैं सेकेंड टर्म में, तो 3 और 5 को ऐड करते हैं तो सम ऑफ टू टर्म, फर्स्ट टू टर्म का सम क्या आता है s2 की वैल्यू क्या आती 8, s2 की वैल्यू क्या आ जाती 8। अगर हमें पता चल जाता है s2 की वैल्यू 8 है और s1 की वैल्यू 3 है, अगर सेकेंड टर्म निकालना है तो हम क्या करेंगे s2 में से s1 को माइनस कर देंगे। अगर हमें सेकेंड टर्म फाइंड करना है तो s2 में से क्या करेंगे s1 को माइनस। s2 क्या है सम ऑफ टू टर्म, स्टार्टिंग के टू टर्म का सम, और s1 क्या है सम ऑफ वन टर्म, स्टार्टिंग के एक टर्म का सम। अगर इसको माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो s2 की वैल्यू क्या है 8, s1 की वैल्यू क्या है 3, 8 में से 3 माइनस होगा 5 आएगा, मतलब सेकेंड टर्म आ जाएगा। मतलब अगर हमें s2 और s1 पता है तो s2 में से s1 को माइनस कर देंगे तो सेकेंड टर्म फाइंड हो जाएगा, क्योंकि हमने एग्जांपल से बता दिया क्यों होता है, क्योंकि फर्स्ट टर्म के सम में सिर्फ अकेला ये टर्म रहता है और सेकेंड टर्म के सम में ये और ये टर्म दोनों रहते हैं, तो इसमें से पहले वाले टर्म को माइनस कर दे रहे हैं तो सिर्फ यही बचेगा ये वाला टर्म। यही लॉजिक यहाँ पे भी लगेगा, हम पहले क्या फाइंड करेंगे फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे, मतलब फर्स्ट टर्म का सम s1 फाइंड करेंगे, फिर s2 फाइंड करेंगे, फिर s2 में से s1 को माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा क्या सेकेंड टर्म। इसी तरह फाइंड करना है, देखिए कैसे करते हैं। उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन, क्या था हमारे पास sn की वैल्यू है और a की वैल्यू है। अगर sn मतलब n टर्म का सम दिया गया है, अगर इसमें 1 पुट करें, n की जगह 1 पुट करें तो s1 की वैल्यू आ जाएगी, तो इसमें पुट करते हैं s1 क्या आ जाएगा 4 × 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 × 1 4 × 1 = 4 माइनस 1, 4 में से 1 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 3, 4 में से 1 को माइनस किया 3 आया, s1 की वैल्यू 3 आ गई। अब हमें चाहिए क्या,
और S1 ही क्या है, फर्स्ट टर्म है, क्योंकि एक टर्म का सम क्या है, एक टर्म का सम 3 है, तो एक टर्म का मतलब वो अकेला टर्म, अकेले वाले टर्म में कुछ ऐड करेंगे नहीं करेंगे, इसका मतलब वही क्या है, फर्स्ट टर्म। S1 की वैल्यू क्या है, 3 है, और S2 की वैल्यू क्या है, S2 की वैल्यू निकालेंगे, ये S1 ही A के इक्वल हो जाएगा, और S2 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे, n की जगह 4 × 2 − 2 का स्क्वायर, 4 × 2 = 8, 8 माइनस, अब इसको करेंगे 4, 2 का स्क्वायर 4, 8 में से 4 माइनस होगा 4 आएगा, S2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। दो चीज़ें हमारे पास निकल चुकी है, फर्स्ट टर्म उसका मतलब S1 आ चुका है, S2 आ चुका है, अब हमें क्या करना है, सेकेंड टर्म निकालना है। हमने सेकेंड टर्म के लिए बताया, सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड टर्म को फाइंड करने के लिए S2 में से S1 को माइनस करेंगे। सेकेंड टर्म क्या होता है, A2 इक्वल टू होता है S2 माइनस S1। अब S2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4, 4, और S1 की वैल्यू क्या है, S1 की वैल्यू क्या है, 3। इसको 4 से 3 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 1, इसकी वैल्यू आएगी 1। अब हमें A2 पता चल गया, A की वैल्यू पता चल गई फर्स्ट टर्म, तो AP अगर लिखना चाहें तो AP कैसे होगी, 3 होगी, 4 होगी, अब इसके बाद कुछ भी आए, सॉरी 3 के बाद सेकेंड टर्म क्या आया, 1, तो 3 के बाद क्या आएगा, 1, इस तरह AP चलती जाएगी। अब हमें इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें थर्ड टर्म पता करना है, टेंथ टर्म पता करना है, तो उसके लिए डिफरेंस पता होना चाहिए। फर्स्ट टर्म तो पता ही है, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए, तो डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 1 में से 3 को माइनस, 1 − 3, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले को माइनस करते हैं तो बचेगा क्या, −2। अब हम जो फाइंड करना है वो निकाल सकते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, A3 फाइंड करना है। A3 क्या होता है, A प्लस 2D, A की वैल्यू हमारे पास क्या निकाली है, 3, प्लस 2 × D, D की वैल्यू क्या है, −2, ये हो जाएगा इक्वल 3 प्लस, अब प्लस माइनस का इंटू माइनस, तो −4, A3 की वैल्यू हो जाएगी −1, A3 की वैल्यू 1। अब A10 निकालना है, A10 की वैल्यू फाइंड करना है, तो A10 की वैल्यू क्या होती है, A प्लस 9D। अब A की वैल्यू क्या है हमारे पास, A की वैल्यू है 3 प्लस 9 × D, D की वैल्यू हमने क्या निकाली है, −2, अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस का इंटू माइनस, 9 × 2 = 18, 3 में से 18 को माइनस करेंगे, 3 में से 18 को माइनस करेंगे, −15 बचेगा। अब फिर लास्ट क्या फाइंड करना है, An की वैल्यू फाइंड करना है। अब An की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या होगा हमारा प्रोसेस, An इक्वल टू क्या होता है, A + n − 1 × D, n की वैल्यू नहीं पता हमें, n की वैल्यू यहीं रखने देंगे, A + n − 1 × D, ये किसकी वैल्यू होती है हमारे पास, An की वैल्यू फाइंड करना है, तो A की वैल्यू क्या पुट करेंगे, A की वैल्यू हमारे पास क्या है, A की वैल्यू 3 है, 3 + n − 1 × D की वैल्यू हमने क्या निकाला है, −2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 −2 से n में मल्टीप्लाई होगा, −2n हो जाएगा, और −−+ 2 × 2, और 3 और 2 ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा, 5 −2n, ये हुआ हमारे पास an की वैल्यू क्या आ गई, 5 −2n, ये फाइंड करना था हमारे पास, 10th टर्म फाइंड करना था, ये फाइंड किया हमारे पास, A3 की वैल्यू फाइंड करना था, −1 आया, हमारे पास A2 की वैल्यू फाइंड करना था, वो भी ये आया, जितने टर्म फाइंड, S2 की वैल्यू फाइंड करना था, S2 आया हमारे पास, S1 या मतलब फर्स्ट टर्म फाइंड करना था, ये आया, मतलब एक गिवन टर्म से हमने क्या इतनी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर Sn की वैल्यू पता है तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, कोई भी सीरीज पूरी निकाल सकते हैं हम Sn की वैल्यू से। ये लॉजिक था, समझ लीजिए, फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया होगा तो। अब आगे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ऐसे 40 इंटीजर्स का सम फाइंड करना है जो 6 से डिविजिबल हो। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, ऐसे 40 नंबर्स का सम फाइंड करना है
जो सिक्स डिविजिबल हो, सिक्स डिविजिबल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो सबसे पहले सिक्स कौन सा नंबर डिविजिबल होता है, तो लिख लेंगे द पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर्स डिविजिबल बाय बाय सिक्स। सिक्स से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं, सबसे पहला स्टार्टिंग से सबसे पहला छोटा नंबर कौन सा सिक्स से डिविजिबल होगा, सिक्स। मतलब सिक्स से डिविजिबल के लिए सिक्स का टेबल पढ़ दीजिए, सिक्स का टेबल वो सारे नंबर सिक्स से डिविजिबल। सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स के बाद दूसरा नंबर सिक्स टू जा ट्वेल्व, फिर सिक्स थ्री जा एट्टीन, ऐसे ऐसे करके 40 नंबर, मतलब एक दो तीन चार 40 नंबर तक का सम फाइंड करना है, 40 नंबर्स का सम फाइंड करना है, ऐसे ऐसे करके 40 नंबर्स लिखना है और उनका सम फाइंड करना है। तो ये करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, Sn की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब Sn में क्या आता है, n अपॉन टू, n की वैल्यू दिया गया है 40 टर्म है, 40 टर्म है तो n की वैल्यू क्या है 40। अब a और d भी आता है तो a और d की वैल्यू इस सीरीज से फाइंड करना है। यहाँ a की वैल्यू क्या है 6 और d की वैल्यू कैसे करते हैं, 12 में से 6 को माइनस करेंगे, 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6 ही आएगा। और क्या हमारे पास n की वैल्यू, n की वैल्यू दिया गया है 40, मतलब 40 टर्म का सम फाइंड करना है, 40 टर्म का सम फाइंड करना है तो n की वैल्यू 40। अब Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन टू ब्रेकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। n की वैल्यू क्या है हमारे पास 40, 40 अपॉन टू ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सॉरी फिर से। अब a की वैल्यू पुट करनी थी, a की वैल्यू पुट करनी थी तो a की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, a की वैल्यू क्या है 2 इंटू 6 प्लस n की वैल्यू क्या है 40, 40 माइनस 1, d की वैल्यू हमारे पास क्या है, d की वैल्यू भी 6 आई है 6। अब 2 से इसमें डिवाइड करेंगे क्या बचेगा 20, अब ब्रैकेट के अंदर क्या होगा 26 जा 12 प्लस, अब ये 39 इंटू 6, अब इसी को सॉल्व करेंगे जो आएगा हमारा आंसर होगा। अब कैसे सॉल्व होगा, 20 बाहर ही रहने देते हैं, फिर मल्टीप्लाई में क्या है 12, अब इसका मल्टीप्लाई 4 और कैरी 5, 6 3 जा 18, 18 और 5 23। अब क्या करेंगे 20 इंटू इसको ऐड करेंगे 2 और 4 6, 3 और 4 20, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा वही फाइनल आंसर है 2 6 जा 12, 2 9, 2 2 जा 4। मतलब स्टार्टिंग के 40 टर्म का सम जो 6 से डिविजिबल हो उनका सम क्या आएगा 4920, ये आएगा हमारे पास सम 40 नंबर। कोई भी डिविजिबल अगर 8 से डिविजिबल होता तो 8 का टेबल लिखते और जितने टर्म बोलता वो क्या हो जाता है n की वैल्यू, फिर उसको सॉल्व कर देते Sn के फॉर्मूले से तो वो आ जाता हमारे पास सम। अब 30 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, 8 के 15 मल्टीपल के सम फाइंड करना। वहाँ पे डिविजिबल बाई 6 था, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 8 है, बस लैंग्वेज का फर्क है, क्वेश्चन वही है। अब 8 के मल्टीपल लिखना है तो 8 के मल्टीपल क्या होते हैं 8, 16, 24, मतलब 8 का ही टेबल, मतलब जो 8 के मल्टीपल में आए, जो 8 से डिवाइड हो जाए वही क्या होता है मल्टीपल होता है। तो 8 के मल्टीपल लिखने हैं तो 8 के मल्टीपल स्टार्ट कहाँ से होते हैं 8 से, तो हम लिखेंगे द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल। तो कहाँ से स्टार्ट होगा मल्टीपल, 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, 8 थ्री जा 24, ऐसे ऐसे करके कितने 15 मल्टीपल लेने हैं। फिर वही चीज़ करेंगे, फिर Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके लिए क्या पता होना चाहिए हमें a की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है 8 है, और फिर से d की वैल्यू, आगे वाले में से प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे तो 8 ही आएगा मल्टीपल, और उसमें a और d की वैल्यू सेम ही आती है, ये हमेशा होगा। और n की वैल्यू क्या है 15, क्योंकि 15 टर्म का सम फाइंड करना है। और Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अब इसमें फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू, n की वैल्यू क्या है 15
अपॉन टू, ब्रैकेट में टू इंटू ए, ए की वैल्यू एट, प्लस अब यहाँ पे 15 माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, एट ही है। अब ये क्या हो जाएगा, 15 अपॉन टू ऐसे ही रहेगा, एट टू जा 16। हम टू कॉमन भी ले सकते हैं, टू यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, टू इस टर्म से भी डिवाइड कर सकते हैं, हम टू कॉमन ले लेते हैं, आसान हो जाएगा मल्टीप्लाई करना, बचेगा क्या सिर्फ यहाँ पे 8, और यहाँ पे बचा 15 में से 1 माइनस हुआ 14, और 2 कॉमन हो चुका है तो 2 4 जा 8, यहाँ पे 14 बचा। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 15 इंटू ब्रैकेट के अंदर बचेगा 8 प्लस 14 का 4 में मल्टीप्लाई 56। अब इसको ऐड करेंगे 15 को तो ये हो जाएगा 64। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 15 4 जा 60, 6 कैरी, 15 6 जा 90 और 6 960, मतलब 15 टर्म का सम ऑफ 15 टर्म क्या होगा, जो 8 के मल्टीपल होंगे उनका सम क्या होगा, 960, वो 15 टर्म का मल्टीपल होगा। मल्टीपल में और डिविजिबल में सेम वही करना है, मतलब टेबल स्टार्ट करना है जिसका पूछा जाए, अगर 6 का मल्टीपल पूछा जाए तो 6 वन जा 6, 6 टू जा 12 आगे कैरी ऑन रहेगा, और 8 का पूछेगा तो 8 का कैरी ऑन, कोई भी नंबर्स का मल्टीपल या फैक्टर पूछ सकता, सॉरी मल्टीपल या डिविजिबल बाई 6 पूछ सकता है कोई भी नंबर से, तो हमें प्रोसेस यही करना है, ये दोनों पे सेम करना है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 में क्या दिया गया है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, 0 और 50 के बीच में सारे ऑड नंबर का सम फाइंड करना है, ऑड नंबर का सम फाइंड करना है। ऑड और इवन में हमें फ़र्क पता है, ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो और इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाए। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 2 से डिवाइड नहीं होते हैं और इवन नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। ऑड नंबर क्या होता है, 0 से 15, तो 0 के बाद सबसे पहले ऑड नंबर क्या पड़ेगा, 1, ऑड नंबर्स क्या पड़ेंगे, 1, फिर उसके बाद क्या आएगा, 3, 3 के बाद 5, ऐसे ऐसे करके सबसे लास्ट वाला 50 से पहले ऑड नंबर कौन सा पड़ेगा, 50 से पहले क्या आता है, 49, 49 भी क्या है, ऑड नंबर। ऑड नंबर हमें पता है ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, ऐसे नंबर 2 से डिवाइड, 2 से कोई नहीं डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ऑड नंबर है। अब ये कितने ऑड नंबर्स हैं ये हमें नहीं पता, मतलब n की वैल्यू नहीं पता, तो हम सम कर ही नहीं सकते हैं, तो हमारा सबसे पहले काम क्या होगा, n की वैल्यू फाइंड करना है। n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास सीरीज का a गिवन है, a की वैल्यू क्या है, 1, फिर क्या है, d की वैल्यू निकाल सकते हैं, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले को माइनस, 3 में से 1 माइनस करेंगे क्या बचेगा, 2, 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 बचेगा। अब क्या होता है, लास्ट वाला टर्म क्या होता है, मान लीजिए एन ए टर्म, ए एन या लास्ट टर्म एल भी बोल सकते हैं, इसकी वैल्यू होती है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या है, 49, ए एन की वैल्यू क्या है, लास्ट टर्म यही, इसी को भी बोल सकते हैं, ये 49 है, ए की वैल्यू है 1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू है हमारे पास 2, 1 प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो 49 माइनस 1 ये क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 2n माइनस 2, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे 48, 2n माइनस 2, माइनस 2 इधर है, इधर जाएगा प्लस में, 48 प्लस 2 इक्वल में क्या हो जाएगा, 2n, 2n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, इसको ऐड करेंगे 50, तो n की वैल्यू आ जाएगी 50 अपॉन 2, मतलब n की वैल्यू 25, मतलब 0 से 50 के बीच में हमें 25 ऑड नंबर्स का सम फाइंड करना है। n की वैल्यू हमने निकाला 25, ये ऑड नंबर्स कितने हैं, 25 नंबर है, 25 नंबर्स का सम फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने के लिए क्या है हमारे पास फॉर्मूला, Sn, Sn इज इक्वल टू a, सॉरी n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस an, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं क्योंकि an की वैल्यू हमें पता है, an की वैल्यू लास्ट टर्म या इसी को लास्ट टर्म भी बोलते हैं, an की वैल्यू पता है। अब n की वैल्यू हमने निकाला क्या है, 25 अपॉन में 2, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, सीरीज 1 से,
तो a की वैल्यू 1 प्लस an, an की वैल्यू क्या है 49 और क्या हो जाएगा 25 अपॉन में 2, इसको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 50। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 50 को डिवाइड कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा 2 से कैंसिल होगा 25 टाइम। अब हमने मल्टीप्लाई करना बताया था, स्क्वायर करना ट्रिक के माध्यम से, इसका एक वीडियो पढ़ाई है हमारे चैनल पे, उसमें क्या बताया था लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 25 और फिर 2 से आगे एक नंबर 2 3 6, ये हो जाएगा 626 एस एन की वैल्यू, एस एन, एन क्या है 25, तो इसको एस 25 भी बोल सकते हैं, मतलब 0 से 50 के बीच में जितने और नंबर आएंगे उन सबका सम क्या होगा 625। ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 में क्या कह रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो 200 फॉर फर्स्ट डे एंड 250 फॉर सेकेंड डे 300 फॉर थर्ड डे एटसेट्रा द पेनल्टी फॉर सक्सेसिंग डे बींग 50 मोर देन फॉर द प्रिसीडिंग डे हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज पे एज पेनल्टी इफ द डिलेड द वर्क बाई 30 डे। कह रहा है एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम हो रहा है तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो लेट कर दे रहा है, काम को डिले कर देता है, मतलब उसमें देरी हो रही है, तो देरी हो रही है तो उसका पेनल्टी उसके ऊपर फाइन हो रहा है। और पेनल्टी कितना फाइन हो रहा है, एक दिन अगर डिले हो रहा है, फर्स्ट डे डिले हो रहा है तो 200 रुपये उसको देना पड़ रहा है, सेकेंड डे डिले हो रहा है तो 250 रुपये, मतलब 250 रुपये देना पड़ रहा है, फिर 300, ऐसे ही सारे दिन देने पड़ रहे हैं। और उसने टोटल कितने दिन लेट किया, 30 डे लेट किया, 30 दिन लेट किया, तो उसको कितने रुपए देने पड़े वो फाइंड करना है, उसको टोटल कितना पे करना पड़ेगा वो जो डिले किया है काम को वो फाइंड करना है। देखिए फर्स्ट डे हमारे पास कितना है, फर्स्ट डे हमने दिया, कॉन्ट्रैक्टर ने पे किया 200, अगले दिन पे किया 250, फिर उसके नेक्स्ट डे 300, मतलब 50 रुपये बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस इसमें क्या है, डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, इसमें डी की वैल्यू है हमारे पास 250 माइनस 200, इसका मतलब वो 50 रुपये के डिफरेंस पे पे कर रहा है। फिर ए की वैल्यू क्या है, स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 200 रुपीज़ से स्टार्ट किया, फर्स्ट डे 200 रुपीज़ दिया है, तो पूछ रहा है 30 दिन डिले हुआ है, 30 डे डिले हुआ है, तो उस 30 डे का पूरा कितना देना पड़ा, मतलब हमें एस 30 की वैल्यू फाइंड करना है, एस 30 की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एस एन का, फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे हमें 30 डेज एन की वैल्यू क्या है, 30 डेज, मतलब एस 30 की वैल्यू फाइंड करना है 30 अपॉन में 2 ब्रेकेट में 2 इंटू ए, ए की वैल्यू हमारे पास स्टार्टिंग में क्या है 200 प्लस एन, एन की वैल्यू हमारे पास 30 में से 1 माइनस करेंगे और डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 50। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं फिर से वही तरीका, अगर 2 कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन लेके इसको आसान कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 यहाँ पे भी है और 2 से 50 भी कट रहा है, इसका मतलब 30 अपॉन में 2 इंटू 2 कॉमन लिया हमने तो यहाँ पे बचेगा 200 और 30 में से 1 माइनस हो गया 29 और 50 में से 2 कॉमन हुआ है तो इसका मतलब 25 बचा। अब 2 से 2 कैंसिल, अब ये बाहर क्या आएगा 30 आएगा। अब हमें क्या करना है, अंदर का मल्टीप्लाई 200 प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई 29 का 25 में मल्टीप्लाई, 9 5 = 45, 5 और 4 कैरी, 4 5 2 = 10 और ये 14, 9 2 = 18, 2 2 = 4 और 5, 5 8 4 12, 6 और 7 7 25 7 25, और ये क्या किसके इक्वल होगा 30 इंटू, अब इन दोनों को ऐड करेंगे 9 25, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0 3 5 = 15, 7 27, मतलब 27,750 रुपीज़ उसको पे करना पड़ेगा
30 दिन डिले करने की वजह से, कोई काम है कॉन्ट्रैक्टर जो पर डे डिले कर रहा है, तो एक दिन का चार्ज 200, फिर अगले दिन का 250, फिर 300, ऐसे 50 रुपये बढ़ रहा है। तो 30 डे में कितना पे करना पड़ेगा उसको? 27,750 रुपीज़। ये क्वेश्चन नंबर 15 था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या कह रहा है? अ सम ऑफ 700 इज यू टू बी गिव 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट ऑफ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस दैन द प्रिसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। कह रहा है एक स्कूल में या कहीं पर भी एकेडमिक प्राइज दिया जा रहा है, तो उसमें 7 प्राइज हैं, 7 प्राइज हैं, और उसमें प्राइज का सम क्या है? 700। 700 में ही सबको प्राइज दे देना है। और वो क्या हो रहा है? सबसे पहले जितना मिल रहा है बड़े वाले फर्स्ट प्राइज को, फिर उसके बाद सेकंड वाले को उससे 20 कम मिल रहा है, फिर थर्ड वाले को उससे 20 कम मिल रहा है, फिर 20 कम होता जा रहा है। ऐसे 20-20 कम होते 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 7 लोगों को प्राइज मिल रहा है। और 7ों का प्राइज कितना है? प्राइज का सम क्या है? 700 है। तो हमको सबका वैल्यू फाइंड करना है कि फर्स्ट वाले को कितने रुपए का प्राइज मिला, सेकंड वाले को कितने रुपए का प्राइज मिला, थर्ड वाले को, फिर ऐसे पूरे 7 लोगों को कितने रुपए का प्राइज मिला, ये फाइंड करना है। हमें दिया क्या गया है? क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास? 16। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें गिवन क्या कह रहा है? कुल 7 प्राइज है। मान लीजिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 प्राइज है, कुछ भी है। अब इनकी वैल्यू नहीं पता है हमें, वैल्यू नहीं पता है, बस ये पता है इन सबका सम, इन सबका सम क्या दिया है? सम गिवन है हमारे पास 700, मतलब जितने का प्राइज दिया जा रहा है वो 700 टोटल है। अब इसका 100 रुपये हो सकता है, इसको 200 रुपये हो सकता है, 300, कुछ भी हो सकता है। ऐसे डिवाइड करना है सब 7 के अंदर कि ये 700 बने, 7 लोगों को प्राइज मिले, तो किसके इक्वल हो? 700 के इक्वल हो। तो यहाँ पे क्या बात आती है? उसमें मैंने कहा है कि पहले को जितना प्राइज मिल रहा है, जितने रुपए का प्राइज मिल रहा है, सेकंड वाले को उससे 20 रुपए कम मिल रहा है, फिर थर्ड वाले को इससे 20 कम मिल रहा है, फोर्थ वाले को इससे 20 कम मिल रहा है। तो सबकी वैल्यू फाइंड करने, क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आया? 7 लोगों को 700 रुपये में प्राइज डिवाइड करना है, और सबकी वैल्यू क्या हो रही है? 20 कम होती जा रही। तो हमने मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट प्राइज का कॉस्ट क्या हो जाएगा? फर्स्ट प्राइज का कॉस्ट हमने मान लिया खुद से x मान लिया। अब क्या हो जाएगा? x इसकी वैल्यू, फर्स्ट प्राइज को x रुपए का मिल रहा है। अब सेकंड के लिए क्या हो जाएगा? सेकंड प्राइज की वैल्यू, सेकंड प्राइज क्या हो जाएगी? x से 20 कम हो जा रहा है। फिर थर्ड वाले में क्या हो जा रहा है? फिर 20 कम हो जा रहा है। x माइनस 20 है, तो x माइनस 20 माइनस 20, मतलब इस पीछे वाले से 20 कम हो जा रहा है। ये इससे 20 कम हुआ, फिर इससे 20 कम करेंगे, तो x माइनस 20 माइनस 20। अब माइनस माइनस क्या है? प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x माइनस 40। ऐसे ही 7 लोगों को प्राइज मिल गया। अब प्राइज मिल गया, और प्राइज मिल गया तो सबके प्राइज का सम क्या है? 700 है। मतलब हमें एस 7 की वैल्यू दी गई है, मतलब सभी 7 लोगों का प्राइज क्या है? 700। अब ये सीरीज बन रहा है, पहला एक्स है, दूसरा क्या है? एक्स माइनस 20। तीसरा क्या आया था हमारे पास? प्राइज की वैल्यू एक्स माइनस 40। इसमें एक्स की वैल्यू पता है हमें, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म क्या है? एक्स। हमने माना सबसे पहले वाले को प्राइज एक्स रुपये का मिला, दूसरे वाले को एक्स माइनस 20 मिला, क्योंकि 20 कम होता जा रहा है। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं? हम डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। डी की वैल्यू कैसे आएगी? प्रीवियस टर्म में से माइनस कर देंगे। अब डी की वैल्यू यहाँ पे अगर निकालना चाहें तो डी की वैल्यू क्या होगी? एक्स माइनस 20 माइनस एक्स, एक्स को माइनस करेंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल, डी की वैल्यू आएगी माइनस 20। डी की वैल्यू माइनस 20 है। अब एस 7 की वैल्यू है 700। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? n अपॉन टू ब्रेकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इक्वल है किसके? 700 के। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, n की वैल्यू क्या है? टोटल 7 लोग हैं, तो 7 अपॉन 2, ब्रेकेट में क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए, ए की वैल्यू क्या है? x, x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। n की वैल्यू क्या है?
7 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 20, माइनस 20, ये इक्वल है किसके 700 के। अब ऊपर वाले से ऊपर वाला कैंसिल होता है 7 से 100। अब क्या कर सकते हैं, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो 2 का कॉमन लेके आगे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 2 को इस ब्रैकेट से कॉमन लेते हैं तो 2x है तो 2 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया और नीचे पहले से 2 है तो नीचे 2 ऐसे ही रहेगा। अब अंदर क्या हो जाएगा x, अंदर x प्लस 7 में से 1 माइनस होगा 6 बचेगा, और यहाँ से 2 कॉमन लिया हमने तो 10 बचा, माइनस 10 और माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई माइनस 10 यहाँ पे आ गया। अब ये किसके इक्वल है, ये कैंसिल होकर बचा है हमारे पास सिर्फ 100। अब 2 से 2 कैंसिल हुआ, अब अंदर क्या बचा गया x माइनस 60, ये किसके इक्वल है 100 के। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 प्लस 60, तो x की वैल्यू हो जाएगी 160। मतलब पहले वाले को प्राइस क्या मिलेगा 160 रुपये का, मतलब 160 रुपीज़ का प्राइस पहले वाले को मिलेगा। फर्स्ट प्राइस क्या हो गया, फर्स्ट प्राइज क्या हो गया 160 रुपीज़ का। अब सेकेंड प्राइज क्या होगा, सेकेंड प्राइज उससे 20 कम हो जा रहा है, x माइनस 20, तो x माइनस 20 तो 160 माइनस 20, ये क्या हो जाएगा 140। फिर थर्ड प्राइज क्या हो जाएगा, इससे भी 20 कम 120। फोर्थ प्राइज क्या हो जाएगा हमारे पास, इससे 20 कम। फिर फिफ्थ प्राइज क्या हो जाएगा हमारे पास 80। फिर इससे भी 20 कम सिक्स्थ प्राइज हो जाएगा 60। फिर लास्ट प्राइस सेवन्थ वाली प्राइस क्या हो जाएगी 40। यही था हमारे पास ये सीरीज थी, इसकी वैल्यू 160 आई है, इसकी वैल्यू 140, 120, 100, 80, 60 और 40। ये था क्वेश्चन नंबर 16 में, 7 लोगों के बीच में प्राइस ऐसे डिवाइड करेंगे तो सबका सम 700 भी आएगा और सबका प्राइस 20 कम होता जाएगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, 17 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री एंड ग्राउंड ऑफ द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्री दैट ईच सेक्शन ऑफ क्लास विल बी प्लांट विल बी सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग, एग्जाम्पल अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 will be plant 1 tree, a section of class 2 will be plant 2 tree and so on till class 12th. There are 3 section of each class. How many trees will be planted by student? कह रहा है इस क्वेश्चन में एक स्कूल में कुछ स्टूडेंट ने सोचा कि चलो पेड़ लगाते हैं, ट्री प्लांट करते हैं, कि और डिसाइड किया कि ट्री कैसे लगाएंगे, जैसे फर्स्ट क्लास का अगर कोई है तो क्लास फर्स्ट एक ट्री लगाएगा, क्लास सेकंड 2 ट्री लगाएगा, क्लास थर्ड 3 ट्री, ऐसे ऐसे करके क्लास 12th तक ट्री लगाएंगे। जैसे क्लास 10th वाला अगर हैं तो वो टोटल मिलके 10 ट्री लगाएंगे, 10 अगर 9th में है तो 9 ट्री लगेगा, 8th में है तो 8 ट्री लगेगा, और सारे क्लास में कितने सेक्शन हैं, सारे क्लास में 3-3 सेक्शन हैं। जैसे आपके स्कूल में होता होगा कि अगर आप 10th में हैं तो 10th में बहुत सारे सेक्शन होते होंगे, लेकिन यहाँ पे दिया गया हर क्लास के 3 सेक्शन हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। अब सारे सेक्शन वाले भी सेम ट्री लगाएंगे, 9th वाला अगर सेक्शन ए में है तो 9 ट्री लगाएगा, और 9th बी वाले भी क्या लगाएंगे 9 ट्री, फिर 9 सी वाले भी 9 ट्री। इसका मतलब जिस सेक्शन में है जिस क्लास के उतने ट्री प्लांट करना है। जैसे हमें पता है क्लास स्टार्ट होती है फर्स्ट से, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे ऐसे करके 12th तक क्लास है, और इसमें क्या है फर्स्ट वाला कितने ट्री प्लांट करेगा, फर्स्ट वाला एक ट्री प्लांट करेगा, लेकिन सेक्शन कितने हैं 3 सेक्शन है, तो तीनों सेक्शन वाले एक एक ट्री प्लांट करेंगे, तीनों सेक्शन वाले क्या क्या एक एक ट्री प्लांट करेंगे। इसी तरह सेकंड में है तो सेकंड वाले 2 ट्री प्लांट करें, इसमें भी 3 सेक्शन है तो 2-2 सब प्लांट करेंगे। इसके बाद क्या है, इसके बाद 3
थ्री ट्री लगाएंगे सारे सेक्शन वाले, तीन सेक्शन ही है तो तीनों सेक्शन थ्री थ्री। अगर वो 12 में है तो इसका मतलब वो 12 ट्री लगाएगा, पहला सेक्शन वाला भी, सेकंड सेक्शन वाला भी 12 ट्री लगाएगा और ये भी 12 ट्री लगाएगा। तीनों सेक्शन वाले जिस क्लास में उतने ही ट्री प्लांट करेंगे टोटल मिलके। अगर फर्स्ट क्लास का है तो 3 ट्री लगेगा टोटल मिलके, कितने ट्री, सेक्शन 1 से भी 1 ट्री लगा, 2 से भी 1 ट्री लगा, थर्ड सेक्शन से भी कितने ट्री लगे, एक ट्री लगे। तो इसका मतलब टोटल ट्री कितने प्लांट हुए, 3। और इसके बाद सेकंड वाले ने टोटल कितने किए, 2 2 4 2 6 ट्री, फिर 9। और लास्ट वाला क्या हुआ, लास्ट वाले कितने हैं, 12 12 24 24 और 12 36। ऐसे टोटल इतने ट्री, तो बताइए कितने ट्री लगेंगे ये हमको बताना है। तो हम मान लेते हैं SN टोटल नंबर ऑफ ट्री प्लांट करना है। अब N की वैल्यू कितनी है, 12, क्योंकि क्लास कहाँ से स्टार्ट हुई, 1 से स्टार्ट हुए 12 तक, तो 12 नंबर है, तो N की वैल्यू क्या होगी, 12। N की वैल्यू होगी हमारे पास 12। A की वैल्यू क्या है, 3। A की वैल्यू 3 है। D की वैल्यू क्या है, 6 माइनस 3 मतलब 3। अब SN की वैल्यू निकालना है, SN का फॉर्मूला होता है N/2 A प्लस लास्ट वाला टर्म, लास्ट वाला टर्म हमें पता है तो लास्ट वाले टर्म का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। अब N की वैल्यू क्या है, जितने टर्म है, जितने टर्म कितने हैं, 12 टर्म, तो 12/2 प्लस A, A की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस लास्ट टर्म है 36। इसको 6 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, और इसको ऐड करेंगे 39 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये S12 की वैल्यू आ जाएगी, 4 5 6 3 18। 18 को 5 में ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 23। मतलब जितने सेक्शन वाले बच्चे हैं सब मिलके कितने ट्री लगाएंगे, 234। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, क्वेश्चन में ये कह रहा था जो जिस क्लास में है उतने ट्री प्लांट करेगा। जैसे क्लास 1 का बच्चा है तो सब मिलके, सारे मिलके, अब ये नहीं कि अलग अलग बच्चे मिलके एक एक ट्री लगाएंगे, सारे बच्चे मिलके एक ट्री लगाएंगे। सेकंड का है कोई तो सेकंड वाले 2 ट्री लगाएंगे, थर्ड वाले 3 ट्री लगाएंगे। लेकिन क्या है, सारे क्लास में 3-3 सेक्शन है, तो अगर कोई सेकंड ए में पढ़ रहा है, सेकंड ए में पढ़ रहा है तो वो भी 2 ट्री लगाएगा, सेकंड बी में पढ़ रहा है तो वो भी 2 ट्री लगाएगा, सेकंड सी में पढ़ रहा है तो 3 ट्री लगाएगा। अगर पहले वाले 3 सेक्शन से एक एक ट्री लगाएंगे तो 3 ट्री बन जाएगा, और सेकंड वाले 2-2 जिस क्लास में उतने उतने ट्री लगा रहे हैं तो 6 ट्री बन गया। इसी तरह 3 9 बन गया और ये 36। और ये नंबर कितने हैं पूरे क्लास कितने हैं, वो N की वैल्यू हो जाएगी, और ये क्या है, A की वैल्यू है 3। SN का फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ टोटल ट्री फाइंड हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब आगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 में क्या कह रहा है, अ स्पायरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर अल्टरनेटली ए एंड बी स्टार्टिंग विद अ सेंटर ए ऑफ रेडियस 0.5 1.0 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पायरल इज मेड ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स एंड टेक पाई की वैल्यू है 22/7। क्या कह रहा है, ये जो स्पायरल बना है, ये गोल गोल स्पायरल बना है, उसकी लेंथ फाइंड करनी है, और ये टोटल स्पायरल कितने से बना है, 13 सेमी सर्कल से बना है। हमें पता है पहले कि सर्कल क्या होता है, सर्कल ये पूरा सर्कल ये होता है। अगर सेमी सर्कल की बात करें तो इसका मतलब अगर ये सेंटर है, अगर इसे डायमीटर से कट कर दें, डायमीटर से कट कर दें तो 2 सेमी सर्कल में ये डिवाइड हो जाएगा, ये 2 सेमी सर्कल में डिवाइड हो जाएगा, तो ये सेमी सर्कल बना। तो कह रहा है बहुत सारे सेमी सर्कल से मिलके बना है। एग्जांपल के लिए अगर कोई यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इस सेंटर से स्टार्ट हुआ है, तो पहला सेमी सर्कल ये हुआ, फिर इसको घूम के फिर ये रेडियाई हो गया, पहले ये रेडियस का काम कर रहा था इतना, फिर उसके बाद ये सेमी सर्कल के लिए ये रेडियस हो गया, तो पहले 0.5 था, तो फिर उसके बाद क्या हो जाता है, 0.5 में ऐड होके वो रेडियस किस में चेंज हो जा रहा है, 1 में, फिर उसके बाद फिर से ये बढ़ के
ऐसे बढ़ता जा रहा है, फिर 0.1, फिर 0.5 ऐड करके 1.5 हो जा रहा है, फिर ऐसे 13 टाइम्स स्पाइरल राउंड करता है, तो 13 सेमी सर्कल बना। पहला सेमी सर्कल सिर्फ इतना, पहला सेमी सर्कल क्या है, सिर्फ इतना, फिर उसके बाद दूसरा सेमी सर्कल इतना, फिर तीसरा सेमी सर्कल इसमें इतना, फिर उसके बाद फोर्थ सेमी सर्कल इतना। मतलब हमको सबकी लेंथ पता करनी है, सबकी लेंथ मतलब टोटल लेंथ कितना है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ है और सबकी लेंथ कितने लेंथ लगा है 13 राउंड करने में, तो हमें लेंथ पता करना है। तो हमें पता होना चाहिए कि सर्कल का लेंथ कैसे निकलता है। जैसे अगर कोई कंप्लीट सर्कल है, कोई कंप्लीट सर्कल है तो इसका कोई लेंथ बता सकता है, ये क्या है, यहाँ से अगर पॉइंट स्टार्ट हुआ है तो ये पूरा घूम के यहीं पे पहुँचेगा, कितना लेंथ लगेगा, कितना लेंथ यूज हुआ है। तो इसका सेमी सर्कल का अगर लेंथ फाइंड करना है तो लेंथ ही होता है 2πr, मतलब इसका जो सर्कमफ्रेंस होता है, सर्कमफ्रेंस का मतलब ये चारों ओर गोलाई में, गोले में जितना लेंथ यूज हुआ है सर्कल के लिए वो उसका बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, वही होती है लेंथ। ये पूरे सर्कल के लिए होती है, अगर सेमी सर्कल आधा है तो इसका मतलब इसका लेंथ भी क्या होगा, आधा होगा, आधा का मतलब 2 से डिवाइड, इसका हाफ करेंगे तो 2 से डिवाइड होके सिर्फ बचेगा क्या, पाई आर। मतलब सेमी सर्कल का लेंथ पाई आर होता है और इसका लेंथ 2 पाई आर होता है। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके हम सारे सेमी सर्कल का लेंथ निकालेंगे। पहले इस सेमी सर्कल के लिए रेडियस क्या है, 0.5, सिर्फ इतना रेडियस है, इतना रेडियस है, तो इसका लेंथ पहले फाइंड करेंगे, फिर इसका लेंथ। रेडियस हमेशा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पहले 0.5 था, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर, इस तरह हम फाइंड करेंगे। तो हमें बस याद रखना है कि सर्कल के लेंथ क्या होती है, सेमी सर्कल का लेंथ क्या होता है, पाई आर, सिर्फ पाई आर। अगर पूरे सर्कल की बात होती लेंथ तो 2πr, तो अगर सेमी सर्कल है तो इसका मतलब इसका पाई आर होगा, पाई आर द लेंथ ऑफ सेमी सर्कल। अब पाई आर, फर्स्ट सर्कल का रेडियस मान लेते हैं πr1, तो दूसरे सेमी सर्कल के लिए रेडियस क्या हो जाएगा, πr2, तीसरे के लिए πr3, ऐसे करके कितने हैं, 13 सेमी सर्कल से मिलकर बना है, कितने, 13 सेमी सर्कल से। जैसे पहला सेमी सर्कल ये हुआ, फिर उसी के लिए ये पूरा रेडियस का काम करेगा, अब सेमी सर्कल बड़ा हो जाएगा, सेमी सर्कल क्या हुआ, फिर बड़ा हो गया, फिर ऐसे ही करके रेडियस बढ़ती ही जा रही है, रेडियस बढ़ती ही जा रही है। मतलब पहले के लिए रेडियस क्या है, 0.5, तो आर पाई आर की वैल्यू पुट करेंगे 0.5, ये 0.5 r1 की वैल्यू, फिर उसके बाद रेडियस क्या हो गया, 1 हो गया, तो 1 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद रेडियस क्या हो गया, 1.5, सब में पुट कर दिया। तो अब क्या इसको, ये सीरीज बन रही है एपी टाइप की। अब ये क्या है, 0.5 पाई है, ये क्या है, 1 पाई है, और ये क्या है, 1.5 पाई है, ऐसे ही चलती जा रही है एपी। अब इसमें पूरे की लेंथ निकालनी है, तो ये पहली सेमी सर्कल है, ये दूसरी सेमी सर्कल है, ये तीसरी, तो सबका सबको ऐड करना है, सबको ऐड करना है, मतलब अगर ये एपी में है तो सबको ऐड करना है, तो वही SN का फॉर्मूला S13, तो उसके लिए A पता होना चाहिए, A क्या है, A क्या है, फर्स्ट टर्म 0.5π, फिर उसके बाद क्या है, D पता होना चाहिए, D क्या है, आगे वाले टर्म में से 1π में से 0.5π को माइनस करेंगे, 1 में से 0.5 माइनस होगा तो 0.5 बचेगा, और पाई लगा है साथ में तो पाई को पाई ही रहने दें। अब इसके बाद n की वैल्यू कितनी है, 13, 13 क्यों है कि 13 सेमी सर्कल से मिलके ये स्पायरल बना है, ये स्पायरल कितने टाइम्स राउंड हुआ है, 13 टाइम्स, और ये घूमता जा रहा है 13 टाइम्स, तो n की वैल्यू 13। अब हमें फाइंड क्या करना है, S13 की वैल्यू, S13 की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, n की वैल्यू क्या है, 13 upon 2 into a, a की वैल्यू क्या है, 0.5π, प्लस n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 13 minus 1, d की वैल्यू क्या है हमने निकाला, 0.5π। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 13 upon 2, अब क्या कर सकते हैं,
टू इंटू 0.5 ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई माइनस करते हैं, 13 में से 1 माइनस होगा, बचेगा 12 और 0.5 पाई। अब मल्टीप्लाई करेंगे आगे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 2 5 जा 10, 1 कैरी तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो मतलब हमारे पास आएगा 13/2 इक्वल किसके हो जाएगा, 1 पाई प्लस 15 का 5 का 12 में 12 5 जा 60, तो 6.0, इसका मतलब 6 पाई। अब यहाँ पे 13/2 और ये क्या हो जाएगा, 6 और 1 पाई ऐड होगा तो टोटल हो जाएगा 7 पाई इनटू में। अब हमें पता है हमारे क्वेश्चन में पाई की वैल्यू दी है, तो पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, 7 इनटू पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू है 22/7, तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 1 जा 2 2 1 जा 2। अब 11 से 13 में मल्टीप्लाई, 13 3 जा 11 3 जा 33, फिर 3 कैरी, फिर 3 और 1 1 43, और सेंटीमीटर में है तो आंसर भी क्या आएगा, सेंटीमीटर में। मतलब ये टोटल लेंथ स्पाइरल की टोटल लेंथ क्या आई, टोटल लेंथ कितनी है, 143 सेंटीमीटर ये पूरी लेंथ होगी। हमें बस याद रखना है कि सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर, और पाई आर से हमें आर चेंज होता जा रहा है, सेमी सर्कल क्या होता जा रहा है, बार बार बड़ा होता जा रहा है। पहला सेमी सर्कल 0.5 रेडियस का है, फिर 1 सेंटीमीटर का हो गया, फिर 1.5, तो आर की वैल्यू हमने चेंज की, उसके बाद जो ए पी बना उसी से फॉर्मूले से हमने टोटल लेंथ फाइंड कर ली। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 18। अब 18 के बाद बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन पर। 19 क्वेश्चन पढ़िए हमारे पास क्या है, 19 क्वेश्चन में कह रहा है 200 लॉक्स आर स्टैक्स इन द फॉलोइंग माइनर, 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, 19 रो इन नेक्स्ट रो, 18 इन द नेक्स्ट एंड सो ऑन, इन हाउ मेनी रो आर द 200 लॉक्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो। कह रहा है कि हमारे पास 200 लॉक्स हैं, मतलब 200 लॉक्स हैं, लॉक्स मतलब लाठी, मतलब जो लकड़ी के बने हुए होते हैं वो हैं, हमने रखना उसको अरेंज कैसे किया, सबसे नीचे वाली रो में 20 लॉक्स रखा, फिर उसके ऊपर वाली में 19, फिर उसके ऊपर 18, ऐसे ऐसे करके पूरे लॉक्स को रखा। तो ये पूछ रहा है कि कितने रो बनेंगे कि जिसमें 200 लॉक्स प्लेस हो जाए, और फिर पता करने कि लास्ट वाले रो में कितने लॉक्स हैं, लॉक्स मतलब लाठी जो हम यूज करते हैं लकड़ी का बना हुआ, वो पहले रो है जो उसमें सबसे पहले नीचे कितने 20 लॉक्स रखे हैं, सबसे नीचे अगर ये है, मान लीजिए लाठी आगे से कुछ ऐसे दिख रही होगी, वो आगे का मुंह, फिर उसके ऊपर एक कम हो गया, ये 20 रखा गया तो उसके ऊपर 19 रखा गया, फिर उसके ऊपर 18 रखा गया, तो 200 लाठी को रखने के लिए कितने रो, मतलब कहाँ तक ये ऊपर जाएगा कि 200 कंप्लीट हो जाए, 200 लाठी हम रख लें ये कितने रो बनेंगे ये बताना है। हमारे पास दिया गया है कि टोटल लाठी कितनी है 200, हम रो बनाते हैं, रो बनाने की कोशिश करते हैं, द नंबर ऑफ लॉक्स अरेंज इन दिस मैनर, किस तरीके से रखा गया है, पहले कितने रखे गए हैं, सबसे स्टार्टिंग में नीचे 20 है, फिर उसके बाद 19 है, फिर 18 है, और ये 17 है, अब कहाँ तक है ये हमें नहीं पता, यही बताना है कि कितने रो में ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम SN वाला फॉर्मूला बताए, अब हमें टोटल दिया गया है तो टोटल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि टोटल कितने हैं 200 है, तो 200 है तो इसका मतलब इसको 200 में अरेंज करना है, टोटल कितने हैं 200, यहाँ से ए की वैल्यू क्या है 20, डी की वैल्यू क्या है 19 माइनस 20, मतलब इसकी वैल्यू है कितनी -1। अब इसको अरेंज करना है, मतलब टोटल कितने हैं 200, तो मतलब एस, अब कितने नहीं पता, एन, एस एन की वैल्यू क्या है 200, एस एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 200, अब इसको अरेंज करना है और एन की वैल्यू फाइंड करना है, एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए
SN का फॉर्मूला, SN का फॉर्मूला n अपॉन टू ब्रैकेट में क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये किसके इक्वल है 200 के। n की वैल्यू हमें नहीं पता, n की वैल्यू नहीं पता है तो n को यहाँ नहीं पुट करेंगे। 2a, a की वैल्यू पता है हमारे पास 20 है, प्लस n, n की वैल्यू फाइंड ही करना है n माइनस 1, d की वैल्यू क्या है माइनस 1 है, d की वैल्यू माइनस 1, ये 200 हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, 2 इधर नीचे है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो उधर जाएगा, 200 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n, ये मल्टीप्लाई होगा 2 का 20 में तो ये हो जाएगा 40, प्लस अब माइनस 1 का माइनस का प्लस में इंटू होगा माइनस, और n से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस n, फिर से प्लस माइनस माइनस, और माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई प्लस, 1 का 1 में इंटू होगा 1 ही होगा, और ये किसके इक्वल होगा 200 के, सॉरी n से भी मल्टीप्लाई हो गया, n से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 400 हो गया। अब क्या करेंगे, अब आगे सॉल्व करते हैं, n बाहर है n को बाहर रहने देते हैं, ये अंदर क्या हो जाएगा 40 प्लस 1 41, ये क्या हो जाएगा 41, और n क्या है यहाँ पे माइनस n और इक्वल में क्या है 400। अब अंदर ब्रैकेट ओपन करते हैं, n से मल्टीप्लाई होगा 41n माइनस n का n में मल्टीप्लाई n स्क्वायर और इक्वल टू क्या हो जाएगा 400। अब सारे टर्म को उधर ट्रांसफर करते हैं, n स्क्वायर इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, और ये प्लस में है तो माइनस में, तो 41 माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस 400। अब देखिए इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, जैसे हम पॉलीनोमियल में सॉल्व करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब दो नंबर ऐसे सोचने हैं जो मल्टीप्लाई करने पे क्या है 400 आए और प्लस करने पे क्या है 41 आए, ऐसे दो नंबर सोचना है जो मल्टीप्लाई करने पे क्या है मल्टीप्लाई करने पे 400 आए। तो ऐसे नंबर कौन कौन से होंगे, ऐसे नंबर होंगे इसी का फैक्टर कर लिया करिए, जब कोई बड़ा नंबर आ जाए तो उसका फैक्टर कर लीजिए एलसीएम मेथड से, ये हमने सिखा चुके हैं पॉलीनोमियल एक्सरसाइज में, जहाँ फैक्टराइजेशन हमने सिखाया वहाँ पे, तो 400 का फैक्टर क्या होगा, 400 का फैक्टर बनेगा 16 और 25, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 41 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा, तो यन स्क्वायर ऐसे ही रहेगा माइनस, अब क्या हो जाएगा 16 प्लस 25, बाहर क्या है n प्लस 400, ये इक्वल हो जाएगा 0 के। अब n से मल्टीप्लाई करते हैं तो n स्क्वायर माइनस 16n माइनस का इधर मल्टीप्लाई तो 25 माइनस में हो गया n प्लस 400। अब क्या करते थे, कॉमन लेते थे, n कॉमन है तो n कॉमन है तो n बचेगा, फिर माइनस 16 बचेगा। अब इधर क्या करते थे, पहले जो साइन रहती थी वो साइन कॉमन, फिर इन दोनों में कॉमन देखते थे तो इसमें दोनों में 25 कॉमन है तो बचेगा क्या सिर्फ n, और इधर डिवाइड करेंगे 25 से 400 को तो ये बचेगा 16। अब यहाँ पे n माइनस 16 आ रहा है, n माइनस 16 आ रहा है, यहाँ पे भी n माइनस 16 आ रहा है, तो यहाँ तो n माइनस 16 कॉमन। अब क्या करेंगे, इधर क्या कॉमन हो जाएगा, अब बचा क्या n माइनस 25, दोनों को जीरो के इक्वल करेंगे, दोनों को जीरो के इक्वल करेंगे तो पहले n की वैल्यू क्या हो जाएगी 16, n की वैल्यू 16 और यहाँ से n की वैल्यू 20, 16 में ही क्या हो जाएगा सारे 200 लाठियाँ ख़त्म हो जाएंगी, वो 200 लाठियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो हमें पता चला n की वैल्यू 16 रो लगेंगे, और लास्ट वाले रो में कितने लाठी है ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे A16 निकालेंगे, मतलब लास्ट वाले में कितनी लाठियाँ हैं, तो ये फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 15D। अब A की वैल्यू पता है और D की वैल्यू पता है, A की वैल्यू क्या है 20, A की वैल्यू क्या है 20 प्लस D की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, तो 15 × -1 तो 20 माइनस क्या हो जाएगा 15, 20 माइनस 15 मतलब 5, लास्ट वाली रो में 5 लाठियां रखेंगे तो हमारा लास्ट ऐसे कर करके 16 कितने बनेंगे 16 रो बनेंगे। अब इसके बाद लाठी खत्म हो जाएगी तो n इज इक्वल टू 25 का कोई
एग्जिस्टेंस ही नहीं रह जाता कि मतलब हमें लाठियां बचेंगी ही नहीं। 200 लाठी हमने 16 वाले टर्म में ही ख़त्म कर दी, 16 वाले टर्म में ख़त्म कर दी। तो इसका मतलब ऐसे ऐसे 16 रो बनेंगे जिसमें रखा जाएगा, और लास्ट में सबसे ऊपर कितनी लाठियां रहेंगी, 5। यही क्वेश्चन में पूछा था कि सबसे नीचे 20 रखा हमने, फिर उसके ऊपर 19 रखा, फिर 18 रखा, तो कितने रो लगेंगे, तो रो 16 लगेंगे, और कितने लास्ट वाले रो में रहेगा, तो वो लास्ट वाले रो में रहेगा 5। अब आगे लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20। 20 में कह रहा है इन अ पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस है, अ बकेट इज प्लेस्ड एट अ स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, एंड द पोटैटो आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन, देयर आर 10 पोटैटो इन द लाइन। फिर उसके बाद फिगर बनाया किस टाइप का रेस हो रहा है, अ कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक विथ इट एंड ड्रॉप इट इन द बकेट, रन बैक टू द पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, रन बैक एंड ड्रॉप इन इट, कर सी कंटिन्यू इन दिस सेम वे अंटिल द ऑल पोटैटो आर इन द बकेट, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कंपटीटर हैड टू रन। कह रहा है एक पोटैटो रेस है, पोटैटो रेस है, उसमें एक कंपटीटर है, उसको बकेट में पोटैटो डालना है, मतलब आलू डालना है। हमारे पास क्या है, एक बकेट है, एक बकेट है हमारे पास, उसमें पोटैटो ला ला के डालना है। और पहला पोटैटो कहाँ पे रखा गया है, पहला पोटैटो रखा गया है हमारा, वो कहाँ पे है, वो बकेट से 5 मीटर की डिस्टेंस पे है, पहला वाला पोटैटो 5 मीटर की डिस्टेंस पे है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पोटैटो जो रखा गया है, जो नेक्स्ट पोटैटो है, वो दूसरे वाले पोटैटो से 3 मीटर की डिस्टेंस पे रखा गया, यहाँ से 3 मीटर, फिर ऐसे ऐसे ही 3 मीटर की डिस्टेंस पे अगला पोटैटो, फिर अगला 3 मीटर, मतलब ऐसे बढ़ता जा रहा है पोटैटो 3 मीटर की डिस्टेंस पे। तो एक कंपटीटर क्या है कि पहले बकेट से स्टार्ट करता है, बकेट से दौड़ के जाता है, पहले पोटैटो उठाता है, इसमें डालता है, फिर उसके बाद फिर दौड़ता है, फिर नेक्स्ट पोटैटो लाता है, फिर इसमें डालता है, फिर इसके बाद थर्ड पोटैटो पे, ऐसे ऐसे उसको पूरे 10 पोटैटो उठा के बकेट में डालना है। तो इस तरह उसको कितने मीटर चलना पड़ा, कितने मीटर दौड़ना पड़ा, ये बताना है, टोटल डिस्टेंस बताना है कि कितना दौड़ना पड़ा। ऐसे तो कर नहीं देंगे, 5 3 3 को ऐड कर दें, उसको 2 बार मेहनत करनी पड़ रही, एक पोटैटो के लिए जा रहा है फिर ला के डाल दे रहा है, फिर एक पोटैटो दूसरे पोटैटो के लिए जा रहा है फिर डाल रहा है, ये नहीं कि लगातार सारे पोटैटो को उठाया और डाल दिया। तो इसका मतलब अगर हम सीरीज बनाना चाहें, पहले पोटैटो के लिए कितना दौड़ना पड़ेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से स्टार्ट किया, पहला पोटैटो उठाया डाल दिया, पहले पोटैटो को उठाने में उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, 5 मीटर का, फिर वापस भी तो कितना आएगा, 5 मीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया, 10 मीटर, टोटल डिस्टेंस पहले पोटैटो को उठा के डालने में 10 मीटर। फिर इसी तरह अब ये पोटैटो ख़त्म हो चुका है, ये पोटैटो ख़त्म हो गया है, अब यहाँ से फिर जाएगा नेक्स्ट वाले पोटैटो को उठाने, नेक्स्ट आलू को उठाएगा, तो पहले 5 है और उसमें 3 मीटर और ऐड हो गया, तो मतलब टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 8 मीटर, 8 मीटर जाएगा इस पोटैटो को उठाया, अब इस पोटैटो को उठा के इस बकेट में डाल दिया, इस पोटैटो को उठा के बकेट में डाल दिया, तो 8 मीटर जाने में और 8 मीटर आके उसको वापस डालने में कितना लगा टाइम, कितना डिस्टेंस लगा, 16 मीटर। फिर इसके बाद ये पोटैटो का काम ख़त्म, ये पोटैटो का काम ख़त्म, फिर नेक्स्ट पोटैटो के लिए जाएगा, फिर यहाँ से स्टार्ट करेगा, बकेट में डाल चुका है सेकेंड वाला, तो अब थर्ड वाले उठाने, तो फिर 5 मीटर, फिर 3 मीटर चलेगा, फिर 3 मीटर चलेगा, मतलब ऐसे ऐसे करके 5 3 8 8 3 11 11, यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, तीसरे पोटैटो को उठाने में उसको 11 मीटर जाना पड़ेगा। अब फिर वही पोटैटो को ला के फिर वापस डालेगा, तो वापस डालने के लिए क्या करेगा, फिर से 11 मीटर आएगा, तो ये हो जाएगा 22। पहले पोटैटो के लिए 10 मीटर लगा, फिर 16 लगा, फिर उसके बाद 22 लगा, ऐसे ही 10 पोटैटो के लिए वो दौड़ता रहेगा। अब 10 पोटैटो के लिए दौड़ना है तो टोटल डिस्टेंस हमें बताना है, पहले के लिए 10 दौड़ा, फिर 16 दौड़ा, फिर 22, तो सबको ऐड करना है, सबको ऐड करना है, तो इसका मतलब हमें एस
10 फाइंड करना है। यस 10 क्यों? क्योंकि 10 पोटैटो है तो 10 बार उसको दौड़ लगानी पड़ेगी, 10 बार दौड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है हमारे पास 10। डी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 16 में से 10 को माइनस करेंगे, 16 से 10 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 6 आएगा। अब यहाँ पे एस 10 का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। ये होता है एस एन का फॉर्मूला। n की वैल्यू क्या है? 10। तो यहाँ पे 10 पुट करते हैं, 10/2 ब्रैकेट में 2 × a। a की वैल्यू है हमारे पास 10 प्लस n। n की वैल्यू क्या है? 10-1। d की वैल्यू हमने निकाली है 6। d की वैल्यू 6। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 से डिवाइड करने के चाहें, 2 × 5 = 10, 5 बचा। अब अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 का 10 में मल्टीप्लाई होगा 20, प्लस 10 में से 1 माइनस होगा 9, 9 का 6 में मल्टीप्लाई करना है। अब क्या होगा? 5 × 20 प्लस 9 का 6 में 54। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, ये बाहर क्या है 5, इसको ऐसे ही रख के रहते हैं और ब्रैकेट के अंदर पहले ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे 4 और 5 × 7 = 74। अब ये क्या है? 5 × 74। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 4 = 20, 2 × 5 = 7 = 28 और ये 30। मतलब उसे 300 मीटर दौड़ना पड़ा। पूरे 10 पोटैटो को उठा के ला के डालने के लिए उसको कितने मीटर दौड़ लगानी पड़ी? 300 मीटर। तो आंसर क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस 300 मीटर ट्रेवल करेगा वो पूरे पोटैटो को लाने में। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेस का। हमने लास्ट सिंगल क्वेश्चन, कोई भी सिंगल क्वेश्चन स्किप किए बिना सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आपको अगर कोई कम समझ में आता है, बार बार रिपीट करके देखिए। ये लास्ट के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं वो बोर्ड में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो इनको बार बार से देख लीजिए, बार बार से सॉल्व कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर उसके लिए थैंक यू।